गुड मॉर्निंग क्लास आई होप यू ऑल आर गुड टुडे वी विल स्टार्ट आर चैप्टर नंबर एट आर्टिकल्स ठीक है तो आर्टिकल्स जो चैप्टर है वो आपने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है ठीक है सो वी विल जस्ट लाइक रिवाइज दिस चैप्टर एंड जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं पॉइंट्स वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है आर्टिकल्स यू नो क्या होते हैं ए एन और द दीज़ आर कॉल्ड आर्टिकल्स ठीक है और आर्टिकल्स जो हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं ठीक है एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस और चीज के बारे में बात कर रहे हैं जबकि जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें हमें ये पता होता है कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और एनिमल की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल देखिए जैसे गिव मी अ कप राइट right? तो इस में, इस सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है ए यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कप कोई भी कप आप हमें दे सकते हैं राइट सो ए इज़ योर इंडेफिनिट आर्टिकल बट इन सेकेंड सेंटेंस इफ यू विल नोटिस गिव मी द कप कैप्ट ऑन द टेबल यानी कि आई एम आस्किंग फॉर द कप जो कहाँ रखा हुआ है टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो यानी कि एक पर्टिकुलर कप की बात हो रही है सो दिस इज़ योर डेफिनेट आर्टिकल राइट नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ ए और एन ये आपके क्या होते हैं हमेशा काउंटेबल नाउंस सिंगुलर नंबर में काउंटेबल नाउन से पहले ही हमेशा यूज़ किए जाते हैं ठीक है काउंटेबल नाउ्स यू नो जिसे हम काउंट कर सकते हैं जैसे अ ब्रश एन एग अ कैलकुलेटर राइट बाकी हम जो आर्टिकल्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ नहीं कर सकते ठीक है जैसे वी कांट से गिव मी आर राइस और गिव मी एन वाटर राइट वर्ड्स लाइक हंड्रेड थाउजेंड डजन आर लिटिल एंड लॉट आर प्रिसडेड बाई अ ठीक है लाइक गिव फ्यू बनानाज अ डजन एग्स अ वॉन्ट आई वॉन्ट अ हंड्रेड रुपी नोट यानी कि ये आपके जो वर्ड्स हैं जो आपके मैंशन है लाइक थाउजेंड हंड्रेड डजन इसमें आप अ का यूज या ए का यूज़ कर सकते हैं ठीक है नाउ ए और एन रिप्लेस वर्ड्स लाइक वन ईच एंड एवरी यानी कि आप ए और एन का यूज़ वन ईच और एवरी की भी बजा बजाय यूज़ कर सकते हैं ठीक है जो ए है आपका वो एक एक पर्टिकुलर चीज़ को शो करने के भी लिए भी यूज़ होता है जैसे आपको एक ड्रेस चाहिए या एक पेन चाहिए तो यू कैन से गिव मी अ पेन या गिव मी वन पेन बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट ठीक है नाउ द यूज़ ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड विद विच अ वर्ड बिगिनस ठीक है इट इज द साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड दैट मैटर्स नॉट द स्पेलिंग नाउ इफ अ वर्ड विद अ विदवल्स साउंड वी यूज एन एन ऑक्स एन एग ये आपको पता है हमारे वोवल्स कितने होते हैं ए ई -E आई ओ यू यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपका ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे ए एन एन वोवल राइट right? नाउ अगर कोई वर्ड आपको कॉन्सनेंट साउंड से यूज हो रहा है देन यू विल यूज अ ट्रंक अ वेस्ट राइट वी यूज अफोर द फॉलोइंग वर्ड्स इवन दो दे बिगिन विद द लेटर यू विच इज़ अ वॉवल राइट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू तो बेशक आपके वोवल साउंड से होते हैं लेकिन वो साउंड वोवल नहीं बल्कि वाई से साउंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं लाइक like यूनिवर्सिटी आप एग्जाम्पल देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है आपका यू लगा हुआ है लेकिन जबकि ये साउंड किसकी कर रहा है वाई की सो दैट्स वाई वी यूज़ अ राइट वी डिडंट यूज ए एन एन तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे नेक्स्ट द साउंड एक्स आल्सो टेक्स एन बिफोर इट एज साउंड इज दैट ऑफ ई राइट right? यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके एक्स uh, लगता है हमें साउंड कर रहे हैं लेकिन उसके आगे ई e लगा होता है दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन राइट सो ये इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है बाकी कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिसमें आपका एच साइलेंट होता है जैसे एन ऑनेस्ट मैन एन आर एगो तो इसमें आपका जो एच है वो साइलेंट है लेकिन उसके बाद का जो लेटर है विच विल बी योर वर्वल सो यू विल यूज़ ए एंड एन बाकी आपको देखिए एक्सरसाइज दी हुई है एक्सरसाइज ए एंड बी देट यू विल हैव टू डू नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द राइट द कैन बी यूज विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स यू नो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है काउंट जिसे हम काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो द आपका दोनों जगह यूज़ होता है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो राइट सो वैन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और अ थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर टू ठीक है यानि कि हम अगर किसी पर्सन के बारे में पहले बात कर चुके हैं और अगर हम उस पर्सन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं देन वी विल यूज़ द जैसे एग्जाम्पल देखिए आई वेंट टू अ शॉप टू बाई अ बुक बट द शॉप वॉज क्लोज तो इसमें शॉप के बारे में कितनी बार बात हो रही है दो बार तो हमने पहले एक शॉप के बारे में बात की लेकिन उसी शॉप के दोबारा से बात हो रही है देन वी यूज द नाउ दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स इफ यू विल रीड इट यू विल गेट टू नो ठीक है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यू विल हैव टू रीड इट प्रॉपरली यानी कि कहाँ हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है फर्स्ट पॉइंट देखिए नो आर्टिकल इज़ यूज विद द प्रॉपर नाउंस प्रॉपर नाउंस का आप के साथ आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है लाइक ब्यूटी विजडम इंटेलिजेंस राइट मटेरियल के साथ आपका आर्टिकल यूज़ नहीं होगा लाइक गोल्ड सिल्वर वूल एक्सप्रेशन का यानी कि अगर किसी टाइम के बारे में बात हो रही है लाइक लास्ट वीक लास्ट नाइट लास्ट नेक्स्ट वीक सो वी विल नॉट यूज़ द आर्टिकल ठीक है तो यू विल नॉट से गिव मी अ वाटर यू कैन से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है लेकिन अगर इफ़ यू आर यूजिंग वाटर ओनली देन यू विल यूज़ गिव मी वाटर तो इस इस चैप्टर को आप एक बार ध्यान से रीड करिएगा एंड वॉट एवर द डाउट यू विल हैव यू कैन आस्क मी ओके एंड द एक्सरसाइज मेंशन इन द बुक यू विल हैव टू डू और यू विल ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ ओके थैंक यू